Good morning students. From today we shall be studying another important chapter. In State Board book, the name of chapter is Photosynthesis, and in NCERT it is Photosynthesis in Higher Plants. Let us deal with the concept first. Photosynthesis is a physiological process. And physiology includes study of metabolic reactions, or you can say study of metabolism. And this metabolism is of two types, or metabolism includes two types of reactions. One is catabolism and other is anabolism. बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जब हम लोग किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो हमारा कंसेप्ट यह ज्यादा क्लियर होता है. कैटाबोलिक एक्टिविटी को मैं टर्म देता हूं डिग्रेडेटिव एक्टिविटी. डोंट से डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि एट द एंड ऑफ डिस्ट्रक्शन यू हैव नथिंग एंड एट द एंड ऑफ डिग्रेडेशन यू हैव समथिंग इन हैंड, जिसे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में मेटाबोलाइट्स बोला जा सकता है. कैटाबोलिक प्रोसेस में क्या हो रहा है? हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस आर सीक्वेंशियली डिग्रेडेड इनटू लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस. ये इसका बेसिक पार्ट हो गया. और फिर इसका आएगा एग्जांपल, और इसका एग्जांपल जो है वो रेस्पिरेशन है. एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन मैं यहां आपको देता हूं. C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स अस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP. एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. ये हाई मॉलिक्यूलर वेट इज कन्वर्टेड इनटू टू लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस. बट वेन इट कम्स टू एनाबोलिक एक्टिविटी, तो इसे मैं टर्म देता हूं कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एक्टिविटी. इसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे. यहां क्या हुआ? यहां लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस. बराबर. अब देखो यहां एक एग्जाम्पल की जब मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस. बराबर. और इक्वेशन क्या हो जाएगा? 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट यू कैन से, एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोविल produces C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Oxygen is released. But हम लोग उसके बारे में बाद में पढ़ने वाले. अभी हमें ये सीखना है कि low molecular weight substances are converted into high molecular weight substances. अब photosynthesis का भी कोई meaning होगा, वो भी समझना जरूरी है. मैं यहां इस फोटोसिंथेसिस के वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक को मैं बोलता हूं फोटोन और दूसरे को मैं टर्म देता हूं सिंथेसिस. यहां फोटोन का मीनिंग हो गया लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग हो गया प्रिपरेशन. जब मैं इन दोनों वर्ड्स को प्रॉपरली कनेक्ट कर दूं तो वो हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. और इसलिए फोटोसिंथेसिस का सबसे सिंपल डेफिनेशन हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. जब मैं सिंथेसिस ऑफ फूड की बात करता हूं तो मैं बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तरफ बढ़ रहा हूं, यह भी याद रखना चाहिए. और जब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स मुझे मिलते हैं. Those which can prepare their own food material are called as autotrophs, and those which cannot are called as heterotrophs.
ऑटोट्रॉप्स भी दो टाइप के होते हैं, वन विच कैन यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसलिए उनके लिए टर्म आया फोटो ऑटोट्रॉप्स, जैसे कि प्लांट से। और फिर जो केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं वो हो गए कीमो ऑटोट्रॉप्स, जो बैक्टीरिया के लिए टर्म है। अब हेटेरोट्रॉप्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल, तो उनका फोटोसिंथेसिस के साथ कोई संबंध नहीं है, ना ही उनका फूड प्रिपरेशन के साथ कोई डायरेक्ट संबंध है, और इसलिए ऑटोट्रॉप्स पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, और उसमें भी फोटो ऑटोट्रॉप्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम फोटोसिंथेसिस है। सारी दुनिया जो है वो जानती है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एंटायर यूनिवर्स। दुनिया में एनर्जी का सोर्स जो है वो सन है, और वो कैसा है, तो इट इज इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओल्ड स्टेट बोर्ड बुक में ये लाइन में ये वर्ड हुआ करता था, और ये क्वेश्चन बन के आता था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसे कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। बेसिकली फोटोसिंथेसिस ये एक केमिकल रिएक्शन है ही, सवाल ही नहीं, बराबर। और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज करके उसे बायोटिक कंपोनेंट्स में ला रहा है, और इसलिए इसको हम लोग फिजिको केमिकल प्रोसेस ऐसा टर्म दे सकते हैं। ये भी मेरा 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी मेरा 4 मार्क का एमसीक्यू है, ये भी मेरा एक एमसीक्यू हो जाएगा, ये दो भी एक एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, और इनएग्जॉस्टिबल तो 4 मार्क के लिए है ही। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जो है उसे हम लोग यहाँ, सिर्फ मैं बोलने वाला हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। फोटोसिंथेसिस इज इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस इन विच लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर कंबाइंड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस अ हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस दैट इज केमिकल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी और द फूड एनर्जी यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज C6H12O6 एंड वाटर अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन आर रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। मैंने मेरे डेफिनेशन में ये बोला है कि फोटोसिंथेसिस ये एक इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस है, बराबर। सिंपल चीज है, इंट्रासेल्यूलर है यानी कैरिड आउट इनसाइड द सेल। मेरे पास दो टाइप्स की सेल्स है, एक जो है उसे मैं टर्म देता हूं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो है उसे मैं टर्म देता हूं यूकैरियोटिक सेल। क्या दोनों टाइप की सारी सेल्स फोटोसिंथेसिस करती है? तो इसके आंसर के लिए थोड़ा डिटेल चलते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो सब के सब किंगडम मोनेरा के अंदर रखे हुए हैं। अब मोनेरा में वैरायटी ऑफ ग्रुप्स है, लेकिन मोनेरा से सम बैक्टीरिया, बराबर, सम बैक्टीरिया बोलने के बाद एग्जाम्पल मेंशन करना जरूरी है। जब एग्जाम्पल की बात आएगी कि कौन से टाइप के बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें से एक का नाम हो जाएगा भाई क्लोरोबियम, एग्जाम्पल ही देना है, दो दे देंगे, और दूसरा हो गया क्रोमैटियम, बराबर। और मोनेरा का जो दूसरा ग्रुप है वो साइनोबैक्टीरिया का है, यानी ब्लू ग्रीन अल्गी का, और सारे साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक का भाई एनाबेना है, और उसके साथ ओलोसिरा है, ऑसिलेटोरिया है, बराबर, स्पाइरुलिना है, और सारे इतने लिखने से ज़्यादा हम लोग यहाँ एट्सेट्रा मेंशन कर देंगे। जब बच्चों यूकैरियोटिक सेल कैरी आउट करती है या नहीं फोटोसिंथेसिस, ये पार्ट आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोट्स में 4 किंगडम है, जिसमें से दो मैं बाहर कर रहा हूँ। फंजाए कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाले, एनिमेलिया कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाले। तो अब मेरे पास कौन बचा?
अब मेरे पास यहाँ बचता है प्लांटी यानी प्लांट्स। क्या सारे मेंबर्स प्लांटी के फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो उसका आंसर नहीं जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बट वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। फिर एक्सेप्शन कौन रहेगा? एक्सेप्ट पैरासिटिक प्लांट्स, बराबर। लेकिन कौन से पैरासिटिक प्लांट्स, ये भी समझना ज़रूरी है। तो जो टोटल पैरासाइट है, बराबर, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कसकुट आएगा। अब प्लांटी के बाद जो पार्ट यहाँ बचता है वो है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे प्रोटिस्ट तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन डायटम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसके बाद मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाने वाला यूग्लिना जो है वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। यानी ये अब मेरा पेज सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का नेचर कैसा है? इट इज एन एनाबोलिक प्रोसेस, बराबर। कंस्ट्रक्टिव टाइप की एक्टिविटी है और इसलिए फोटोसिंथेसिस ये एनाबोलिक हो गया। एनाबोलिक का मीनिंग मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ लो मॉलिक्यूलर वेट टू हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा कन्वर्शन है सब्सटेंसेस का, बराबर। तो ये कंस्ट्रक्टिव टाइप की एक्टिविटी हो गई, एनाबोलिज्म ये कंस्ट्रक्टिव टाइप का प्रोसेस हो गया। बराबर। अब इक्वेशन के थ्रू इसे मेंशन कर देते हैं। CO2 ये लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है, वाटर लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है। इनका हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन, एनर्जी ट्रैप हो रही है क्लोरोफिल के तरफ से और कन्वर्ट भी हो रही है। और प्रोडक्ट क्या मिला मुझे? C6H12O6 मिला, +6H2O मिला, +6O2 मिला। बार बार लिखने से बोलने से याद होगा, अपने आप तो जाएगा नहीं दिमाग में। ग्लूकोज मिला यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसी फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। CO2 और वाटर ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के रिएक्टेंट्स है, बराबर। सनलाइट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है और क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कन्वर्टर का काम करता है, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू बायोलॉजिकली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज ATP। और फिर वो यूज की जाएगी किसके सिंथेसिस में? ग्लूकोज के। और ग्लूकोज इसका मेन प्रोडक्ट हो गया, ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है। बट यहाँ एक क्वेश्चन बैठता है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद हो जाती है तो बंद होने के वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्यों होगी? अगर ऑक्सीजन ही रिलीज नहीं हुआ तो ऑर्गेनिज्म बचेगा नहीं, और इसलिए फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज फूड मटेरियल भले ही हो लेकिन ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस उससे कम नहीं होता। जब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स के बारे में या उनके नेचर के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो रिएक्टेंट्स के बारे में ये सोचना ज़रूरी है कि वो किस टाइप के हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रिएक्टेंट्स है, ये मैं बोल चुका हूँ, लेकिन इनका नेचर कैसा है? तो ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, बराबर है, और उनका कन्वर्शन ग्लूकोज में हो रहा है तो वो ऑर्गेनिक नेचर में आ गया। यानी रिएक्टेंट्स इनऑर्गेनिक और ये वह मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। सवाल ये आता है कि CO2 की अवेलेबिलिटी प्लांट्स को किस तरीके से रहेगी? तो CO2 की अवेलेबिलिटी पे भी मुझे क्वेश्चन मिलता है। मेरे पास दो टाइप्स के प्लांट्स हैं, एक को मैं बोलता हूँ टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए सोर्स जो है भाई वो एटमॉस्फियर है, बराबर। और एक्वेटिक प्लांट के लिए अगर मैं CO2 का सोर्स देखूँ तो एक्वेटिक प्लांट्स के लिए CO2 डिजॉल्व्ड इन वाटर ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वॉट अबाउट वाटर? तो एक्वेटिक प्लांट्स के लिए वाटर का सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, बट टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए सॉइल इज द ओनली सोर्स ऑफ वाटर। और वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? ऑब्वियसली रूट विल एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट में ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना जरूरी है। अब हमारा अगला जो पार्ट आता है फोटोसिंथेसिस को समझते हुए, वो है उसके प्रोडक्ट्स, बराबर, जिसके बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ। तो वो प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ टर्म दे रहे ग्लूकोज, बराबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6। केमिकल की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है, बराबर। नेचर क्या हो गया, ऑर्गेनिक टाइप हो गया ये कंपाउंड। और ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को केमिकल एनर्जी बोला है हम लोगों ने, इसे ही हम लोग फूड एनर्जी बोलेंगे। और अगर आपको फूड एनर्जी वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, डजेंट मैटर, एग्जामिनर का वर्ड यूज करते हैं, वो उन्हें कई बार स्टोर्ड एनर्जी बोलेंगे, बराबर। बाय प्रोडक्ट की जब हम लोग बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट कौन सा, वाटर तो मिलने वाला है ही, बट फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट मेन है वो है ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का इम्पॉर्टेंस क्या है, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब फोटोसिंथेसिस को लेकर कुछ चीजें हम लोगों को और याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या हुआ है। ये देखिए, फोटोसिंथेसिस ये एक एनर्जी ट्रैपिंग प्रोसेस है। सनलाइट की जो एनर्जी है वो एनर्जी इज ट्रैप्ड, बराबर। सो प्रोसेस ये एनर्जी ट्रैपिंग की हो गई। वेट, एनर्जी ट्रैपिंग प्रोसेस, और इसलिए मैं इसे टर्म देता हूं एंडोथर्मिक नेचर का, या फिर एंडोथर्मिक के साथ साथ जो बार बार यूज होता है वो टर्म देते हैं, इसे मैं बोलता हूं एंडरगोनिक प्रोसेस, जहां एनर्जी ट्रैप हो रही है, बराबर। एक चीज और याद रखना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है, इट प्रूव्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो थर्मोडायनामिक्स के लॉ को प्रूव करती है। अब आपको ये लगेगा कि लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी क्या, तो जिसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हो, वही पर्टिकुलर पार्ट यहाँ हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोल रहे हैं। देखो क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, कन्वर्टेड इनटू एटीपी, और फिर वो एटीपी की एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड एनर्जी। और लॉ क्या कहता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू अनदर फॉर्म एंड दैट अदर फॉर्म इज कन्वर्टेड इंटू सम अदर फॉर्म, बराबर। और इसलिए एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इंटू अनदर फॉर्म। ये जो पार्ट है ये फोटोसिंथेसिस में हमें मिला। एक बार और देखिए, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू फूड एनर्जी, और यही एनर्जी हमें अवेलेबल होगी, हम लोग भी उसे यूज करेंगे, बराबर। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इस बात को सपोर्ट करता है कि प्लांट्स एक्ट एज अ लिविंग सिस्टम, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ ओपन सिस्टम। अब ये क्या होता है, ओपन सिस्टम के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। इसको समझने के लिए फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन पे आना पड़ेगा, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और सिंपली द लाइट एंड क्लोरोफिल, बराबर, प्रोड्यूसेस C6H12O6 + 6H2O + 6O2। अब देखो यहां हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज गैशियस सब्सटेंस, दिस इज ऑल्सो गैस, दिस इज लिक्विड, दिस इज ऑल्सो लिक्विड,
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं डेल्टा से एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये फूड एनर्जी हो गई। गैस और लिक्विड, लिक्विड और गैस, यानी हो गया मैटर और एनर्जी है ही। तो यहाँ मैटर एंड एनर्जी इज एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के साथ कॉन्स्टेंटली मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ओपन सिस्टम करके काम करती है। बराबर, ये बात समझना जरूरी है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान में रखिए, रेडिएटिंग सोलर एनर्जी इज यूज्ड और क्लोरोफिल है उसको कन्वर्ट कर रहा है। हमें पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस या क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेसिस, तो वो एनर्जी कन्वर्टर है। ये मैं पॉइंट पहले भी बोल चुका हूँ। बराबर, अब एक पॉइंट और समझना जरूरी है, फोटोसिंथेसिस, बराबर, फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? तो रेडॉक्स रिएक्शन ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दोनों चीजों को रेफर करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बराबर, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। हमारे रिएक्टेंट्स कौन है? CO2 है और वाटर है। मैं यहाँ वाटर के ऑक्सीडेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा। बराबर, अब देखो, दिस इज H2O कैन बी रिटन एज H प्लस प्लस OH माइनस। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 4 यू विल गेट 4H2O गिव्स 4H प्लस प्लस 4 हाइड्रोक्सिल आयंस। अब 4H प्लस प्लस 4OH माइनस कैन बी रिटन एज 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4OH। अब इंस्टेड ऑफ 4OH मैं क्या कर रहा हूं, मैं चार अलग अलग OH लिख रहा हूं। बराबर, OH OH प्लस OH प्लस OH, ये दो OH का कॉम्बिनेशन होकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकला, ये दो O हो गए। फाइनल इक्वेशन मैं लिखता हूँ 4H2O इक्वल्स टू 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ट्वाइस H2O प्लस 1O2। बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ध्यान देना मैंने वहां कहीं पे भी लिखा नहीं है लेकिन वो मैंडेटरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स। ये सारा पार्ट आगे डिटेल में आने वाला है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स एंड रिलीजेस, रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। दस फोटोसिंथेसिस। फाइनली बॉटम लाइन पे क्या आ गया? बॉटम लाइन ये आई बेटा कि फोटोसिंथेसिस इज रिडक्टिव एनाबोलिक एंडरगोनिक प्रोसेस। दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वेरियस कंसेप्ट्स। अगले पार्ट में मिलेंगे,
अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच।